जो काम विराट कोहली की टीम ना कर पाई वो आरसीबी वुमेन डब्ल्यूपीएल की टीम स्मृति मंधाना ने किया। जैसा कि डब्ल्यूपीएल फाइनल मुकाबला खेला गया था, दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच मैच हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रन बनाए और एक लो स्कोरिंग मैच हुआ। एक समय में ऐसा लग रहा था कि मुकाबले को आरसीबी की टीम आसानी से जीत जाएगी। शुरुआत में स्मृति मंधाना ने हालांकि धीमी शुरुआत की थी, लेकिन एलिस पेरी ने रनों की शानदार पारी खेली और लास्ट ओवर में रिचा घोष ने चौका लगाकर मैच जीत लिया। उसके बाद आरसीबी की टीम के खिलाड़ी ग्राउंड में भागते हुए नजर आए और स्मृति मंधाना ड्रेसिंग रूम से रोते हुए नजर आए। आरसीबी की वीमेन टीम ने पहली बार विनिंग ट्रॉफी अपने नाम की वही मैच के बाद देखा गया। इसके बाद स्मृति मंधाना विराट कोहली के साथ वीडियो कॉल कर रही थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यह वाकई में एक शानदार नजारा था।